लालकुआ विधानसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी मोहन बिष्ट ने जीत दर्ज कर ली है। आपको बता दें कि मोहन बिष्ट का मुकाबला कांग्रेस के हरीश रावत से था। ऐसे में भारी मतों से मोहन बिष्ट ने अपने नाम जीत दर्ज की है। वहीं लालकुआ सीट से जीतने के बाद उनके समर्थक सड़कों पर उतरे, तो चलिए आपको भी दिखाते हैं ग्राउंड जीरो से संवाददाता राकेश जोशी की ये खास रिपोर्ट। बाईस के विधानसभा के चुनाव लालकुआ के लिए एक ऐतिहासिक चुनाव के रूप में बन गया है। आपको बता दें लालकुआ विधानसभा से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और सामने उनके डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट दावेदारी कर रहे थे, और आज जो है यहां पे मतगणना के दौरान डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट को 16,000 वोटों से भी जो है हरीश रावत को यहाँ मात दे दी है। उनके खुशी में जो है देख सकते हैं उनके समर्थन में तमाम लोग जो है उनके उनको अपने कंधे में बैठा कर सड़कों पर जो है उनकी खुशी का इजहार कर रहे हैं। और जिस तरीके से अगर लालकुआ विधानसभा की बात करें तो हरीश रावत को एक बड़े चेहरे के रूप में देखा जा रहा था, और वहीं लगभग 16,000 वोटों से डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट ने हरीश रावत को मात दी है। ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्गज नेता लीडर के रूप में उनको माना जाता था, ऐसे में उनको 16,000 से भी ज़्यादा मतों से डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट ने मात दी है। ऐसे में उनके समर्थकों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं ठीक हमारे पीछे जिस तरीके से पहाड़ी ढोल नगाड़ों के साथ जो है डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट को जो है अपने कंधे पर उठाल कर, और यहाँ पे युवा वर्ग का लोग जो है खासा उत्साह है, क्योंकि जिस तरीके से 16,000 वोटों से अधिक जो है मात दे रही है। हमारे बीच में कुछ युवा लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर कितना जो है उत्साह जो है देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे लगातार जो है 16,000 वोटों तो जो है मात दी है। आपसे जानेंगे कितना उत्साह है आप लोगों के अंदर। बहुत उत्साह है हम लोगों पे, बहुत खुशी है हमें मोहन दागे जीतने पे। लालकुआ विधानसभा जिंदाबाद, जिंदाबाद मोहन बिष्ट। देख सकते हैं युवा वर्ग का आदमी है और युवा व्यक्ति है, जिस तरीके से डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट ने यहाँ पे लगातार जो है अपनी जीत यहाँ पे जारी करी है, और लगातार जिस तरीके से यहाँ पे उनके समर्थन में जो है खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को यहाँ पे 16,000 से अधिक वोटों से जो उन्होंने मात दी है। ऐसे में जो है इनके समर्थक सड़कों पर उतर कर जो है पहाड़ी ढोल नगाड़ों के साथ जो है यहाँ पे नाच रहे हैं और होली भी मना रहे हैं। जिस तरीके से अगर हम बात करें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की, तो लगभग जो है 16,000 अधिक से जो है वोट से उनको हराया गया है। ऐसे में उनके समर्थकों में जो है कहीं ना कहीं खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। राकेश जोशी, न्यूज़ 13 उत्तराखंड के साथ हल्द्वानी।